तो हाय फ्रेंड, जैसा कि आप जो थंबनेल देख के समझ गए होंगे फ्रेंड कि आज जो हम लोग कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और आज की इस टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड, कि आप अपने जो लैपटॉप या डेस्कटॉप के जो आइकन्स होते हैं फ्रेंड, उसे आप हाइड कर पाएंगे, वो भी एक क्लिक में। बहुत ही आसान मतलब जो मैथड है फ्रेंड, आप जो एक क्लिक में से हाइड कर सकते हैं, और दूसरे क्लिक में आप फ्रेंड आप जो अनहाइड भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड फटाफट इस सेटिंग को देख लेते हैं, और आपको जो वीडियो अगर अच्छा लगे फ्रेंड तो वीडियो को जो आप लाइक कर सकते हैं। तो चलिए हम उस सेटिंग की ओर जो है बढ़ते हैं। तो आपको जो है सबसे पहले राइट क्लिक कर देना फ्रेंड। राइट क्लिक करने के बाद आपको व्यू वाले ऑप्शन पे जो है आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको जो है जस्ट डॉट पे आ जाना फ्रेंड। डॉट पे आने के बाद फ्रेंड आपको जो है शो डेस्कटॉप आइकन जो होते हैं फ्रेंड, इसे अनटिक कर देना है। चलिए फ्रेंड इसे हम अनटिक कर देते हैं। अनटिक करते हैं फ्रेंड आपका जितना भी आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप का जो भी आइकन है फ्रेंड, उस मतलब वो आइकन जो है सारा हाइड हो गया फ्रेंड। और इसे अनहाइड आपको करना फ्रेंड, तो आपका सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा। आप जो राइट क्लिक पे एक बार क्लिक कर देंगे, व्यू वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे फ्रेंड। और व्यू वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको जो है शो डेस्कटॉप आइकन, जैसे अनहाइड किए फ्रेंड, इसे जो है अनहाइड करने के लिए इसे एक बार आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए फ्रेंड इसे जो है टिक लगा देना है फ्रेंड। तो चलिए हम टिक लगाते हैं। टिक लगाते ही फ्रेंड आपको जो है आइकन्स आ जाएगा। इस छोटी सी वीडियो आपको जो है आशा करते हैं फ्रेंड इस छोटी सी वीडियो आपको जो है अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो फ्रेंड तो वीडियो को जो आप लाइक कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपको आगे लेकर आते रहेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।